कल हमने पॉलिनोमियल्स की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ी थी, कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, और हम उसके आगे आज बढ़ते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई आइकन पर क्लिक करके आप कल का वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इसके आगे आइए। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप के बारे में और उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो ये होता है, AX+P, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। और यहाँ लिखा होता है कि जहाँ पर ए और बी जो है वो कांस्टेंट होता है, और ये जो एक्स के साथ जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। लीनियर पॉलीनोमियल को समझने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके आया हूँ। हम देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क इन अवर डेली लाइफ, लीनियर जो पॉलीनोमियल है कैसे वर्क करता है। तो ये अपने पास एक लड़की है, इसको अपने घर जाना है, और इसके घर का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है पैदल तो जाएगी नहीं, इसको टैक्सी करनी पड़ेगी। तो फिर इससे टैक्सी बुक करी और टैक्सी वाले से बात करती है कि टैक्सी का क्या कॉस्ट बैठेगा, क्या चार्ज लगेगा। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि टैक्सी की फिक्स कॉस्ट है 20 रुपीज़, और टैक्सी का फेयर जो रहेगा वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर रहेगा। इसका मतलब ये है कि हर किलोमीटर का 8 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, और अगर आपने टैक्सी बुक करी तो आपके जो 20 रुपीज़ है वो तो फिक्स आपको चार्ज लगेगा लगेगा, चाहे आपका घर कितना भी डिस्टेंस पर हो। तो हम इस लड़की की मदद करते हैं कैलकुलेट करने में कि इसका घर का जाने का कितना फेयर लगेगा। तो हम यहाँ पर बात करें तो एक फिक्स प्राइस है, वो है अपने पास 20 रुपीज़। मतलब आपको 20 रुपीज़ तो चार्ज देना ही देना है। अब अगर अपन और आगे चाहें कि क्या होगा इसके अंदर, तो हम पॉलीनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलीनोमियल को अपन लिख रहे हैं PX, और यहाँ लिख रहा है 8 रुपीज़ चार्ज कट रहा है किलोमीटर के ऊपर। तो ये जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा किलोमीटर को। तो हम ट्राई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 8 × x, x का मतलब डिस्टेंस कितना है इसका, कितना है वो 18। तो हमने यहाँ लिख दिया 18 + 20, 20 फिक्स। 18 और 8 का मल्टीप्लाई किया, ये होता है 144 + 20। और अब आगे जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में प्लस करेंगे तो 164 रुपीज़। मतलब इस लड़की को घर जाने का कॉस्ट बैठेगा 164। तो ये था इसका एक बेसिक एग्जांपल लीनियर पॉलीनोमियल को समझने का। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशन देखा है और उसके ए और बी कॉन्स्टेंट देखे। अब हम आगे बात करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोज़ के बारे में। तो जीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है उसको अपन समझते हैं। हमारे पास कोलिनियर पॉलीनोमियल AX+B है, तो अब हम देखते हैं इसका जीरोज़ के बारे में क्या होता है। अ रियल नंबर के इज अ जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल PX इफ PK इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर कोई के वैल्यू पुट किया जाए तो उस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। तो उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं उस पॉलीनोमियल का। अब हम इसको किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। तो ये दो एग्जांपल है अपने पास कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ये रहा। तो पहला पॉलीनोमियल अपने पास क्या लिखा है, 2x + 4 लिखा है। हम इसको देखते हैं। तो हमको क्या करना है कि ये हमारा पॉलीनोमियल है PX = 2x + 4। तो क्या करना है कि देखो यहाँ लिखा है इक्वेटिंग टू जीरो, तो हमको इस पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये हमने जीरो के इक्वल पुट किया। अब आगे क्या होगा कि 2x, ये जो 4 है बाई टीपी करके राइट साइड में चला जाएगा, -4 हो जाएगा। और आगे ये जो 2 है इसके आगे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4/2। कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू अपने को मिलेगी -2, कैंसिल आउट करके। तो यहाँ पर ये आपको पहला जीरो मिला इस पॉलीनोमियल का। अगर अपन बात करें इसकी तो वही कहानी फिर से, इक्वेटिंग टू जीरो।
जीरो निकालना है तो जीरो को इक्वल पुट करना है, ये बाई टी पे हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, थ्री। तो ये दो क्वेश्चंस अपने पास रहे। अब इसका मैं एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाला हूँ। रिजल्ट क्या आपके पास, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज आपको निकालना है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है और ए क्या है हम पहले ही पढ़ चुके थे, ये आपका बी है और ये इधर आपका ए है। ए क्या है, एक्स का कोफिशियंट ए, और बी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये आपका ए, ये आपका बी, बी अपॉन ए कीजिए आप, तो बी ये रहा फोर, ये ए ये रहा, माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी लीनियर पॉलीनोमियल की।